सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है। इसको लेकर वकील सलमान खुर्शीद ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। के स्टैंड इन्होंने चेंज किया है। यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का हाई कोर्ट का और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो दो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जुलाई में अंतिम फैसला आएगा।